नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, प्लेटो, अरस्तु, हुरस की श्रृंखला को पार करते हुए अब हम लोंजाइनस पे पहुंच चुके हैं, जो कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की सीरीज के अंतर्गत चौथा क्रम पड़ता है। तो और लोंजाइनस का सबसे ज़्यादा महत्व क्यों है? लोंजाइनस का सबसे ज़्यादा महत्व है उनके सिद्धांत सबलाइम थ्योरी के कारण, जिसको हिंदी में उदात्त कहा जाता है, जिसका लेना देना वक्रोक्ति सिद्धांत से भी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं इन सिद्धांतों की बात अलग से करूँगा। देखिए, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से की बात है, ये आपके लिए नई है चीज़ें, तो आप हड़बड़ाएं ना। एक बार ये पढ़ें, फिर मैं सिद्धांत जब बताऊँगा तो सिद्धांत के साथ साथ इनके बारे में फिर चर्चा करूँगा। और आपका एग्ज़ाम है अब दिसंबर में, तो आप 4 महीने में इत्मीनान से स्टडी करें और चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि पढ़ के निकल जाएं, सिरवा के 2 फुट ऊपरे से क्रॉस हो जाए और आपके खोपड़ुआ में कुछ घुस ही ना पाए। तो इससे अच्छा है कि इत्मीनान से पढ़िए, इत्मीनान से समझिए दोस्तों, धीरे धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत, या इतना ना चल दीजिए कि बीमार पड़ जाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ कि लोंजाइनस के बारे में हम जानते हैं कि इनका जन्म 1ली सदी या 3री सदी के आसपास हुआ। ये बहुत ही क्लियर नहीं हो पा रही है बात कि इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, कभी कभी ये संदेह व्यक्त किया जाता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति वस्तुतः हुआ ही नहीं अब लोग, लेकिन ये संदेह है केवल। लेकिन परंपरा से इस नाम का संबंध बहुत ज़्यादा है। इसी कोई एक एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि लोंजाइनस नाम का एक हथियार भी होता था, जो कि यूनान में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि लोंजाइनस के नाम से जो ग्रंथ संग्रह प्रसिद्ध है उसका नाम है, यूनानी नाम पेरिहोप्सुस है। शताब्दियों की उपेक्षा और विस्मृति के बाद पेरिहोप्सुस 1554 में प्रकाशित हुआ, जिसका श्रेय रोबरेतेल्ले को है दिया जाता है। इसका पहला अंग्रेजी रूप जो है जॉन हॉल ने 1652 में किया और नाम रखा ऑफ द हाइट ऑफ एलिक्वेंस। ये सब क्वेश्चंस हैं आपके, ध्यान से सुनिए। पेरिहोप्सुस मूलतः भाषण शास्त्र का ग्रंथ है, इसलिए हॉल का दिया गया नाम ऑफ द हाइट ऑफ एलिक्वेंस मूल यूनानी के अधिक निकट है। किंतु जैसा सेंट परी ने कहा, ये नाम न तो सुंदर है और न सुप्रयोज्य, कोई दूसरा शब्द भी उन विप्रतिपत्तियों से मुक्त नहीं है जो सबलाइम में पाई जाती। ध्यान में इतना ही रखना है कि सबलाइम को उसके संकीर्ण शैलीगत अर्थ में ग्रहण न करके उन विशेषताओं में समन्वित व्यापक अर्थ में हमें ग्रहण करना है। दोस्तों, हमने पेरिहोप्सिस की चर्चा कर ली और ये भी जान लिया कि इन्होंने, अब पेरिहोप्सिस के बारे में हम थोड़ा और विस्तृत चर्चा करें, जो कि इनका संग्रह है। तो ये 44 अध्याय है इसमें, और इसमें एक से 7वें अध्याय तक भूमिका इत्यादि है। 8 से 15 में उदात्त के 5 स्रोतों का निर्देश है। 16 से 29 में अलंकारों का निरूपण, फिर 30 से 38 शब्द रूपक विंगबक, ये सब चीज़ें, इसी तरह और भी चीज़ें हैं। टोटल पेरिहोप्सिस में 44 अध्याय हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और उदात्त की अगर थोड़ी चर्चा करें तो उदात्त के बारे में लोंजाइनस ने कहा है, देखिए लोंजाइनस को कहीं लोंजाइनस, कहीं लोंगिनुस, ठीक है, कहीं लोंजिनस, कुछ भी लिखा रहता है। तो आप इससे या तो आप देखिए इसका अंग्रेजी जान लीजिए, या फिर आप शब्द पढ़ के आप गेस कर लीजिए कि एक ही आदमी है ये। उदात्त के बारे में उन्होंने कहा है कि उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। ठीक है, इन्होंने उदात्त के बारे में इतनी चीज़ें कही हैं। और इन्होंने उदात्त के विषय में जो 3 दोष माने हैं वो है शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। ये 3 दोष इन्होंने माने हैं। इन्होंने पेरिहोप्सुस को कोई
ग्रंथ नहीं माना, इन्होंने उसको एक जीवन शास्त्र माना है। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में मुझे लगता है जो पर्याप्त चीजें थी वो हमने जान ली हैं। अब रही बात सिद्धांत की, तो सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।